नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जेई एडवांस में 2022 में पूछा गया था, मतलब पिछले साल, एक साल पहले आपको यह क्वेश्चन आया था। कैसे करेंगे जरा आप इसको भी देख लो, क्या लिखा हुआ है। लेट L1, L2, L100 बी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी विद कॉमन डिफरेंस D1। देखो क्या है कि एक हमारे पास सीक्वेंस है L1, L2 अप टू सोन L100। इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो किसके बराबर दिया, D1 के बराबर दिया। इसी तरह दूसरी सीक्वेंस है W1, W2, W100 बी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एनदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस D2। तो दूसरी सीक्वेंस है W1, W2 अप टू सो ऑन W100। इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो दिया हुआ है D2 के बराबर, और कहता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, D1, D2 का प्रोडक्ट 10 के बराबर दिया। ठीक है, फॉर ईच आई इक्वल टू 1 to 100 लेट आर आई बी अ रेक्टेंगल विद लेंथ एल आई एंड विड्थ डब्ल्यू आई। और एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल है जिसकी जो लेंथ है आर आई, यहां पे एक रेक्टेंगल है आर आई, क्या रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ एल आई दी हुई है, इसकी लेंथ एल आई है और इसकी जो विड्थ है वो डब्ल्यू आई है और इसका जो एरिया है वो ए आई है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है A51 माइनस A50 इक्वल टू 1000, देन दी वैल्यू ऑफ A100 माइनस A90। आपको A100 माइनस A90 की वैल्यू निकालनी है, आपको ये बोला गया। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L into B। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L into B। तो L क्या, LI और WI, है ना, ये लेंथ है ये ब्रिथ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एरिया आ जाएगा। अब आपको चाहिए A100, तो A100 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L100 W100। तो आप यहां पे लिखो L100 into W100, और इसी तरह A90 क्या हो जाएगा, A90 हो जाएगा L90 into W90, है ना, ऐसा बनेगा। ठीक है, अब L100 कैसे निकालते हैं, जैसे आपको बोला जाए A10 निकालो तो आप क्या करोगे A+90। अगर आपको बोला जाए A10 निकालो तो आप क्या करोगे A+90। तो अगर आपको L100 बोले जाएगा तो आप क्या बोलोगे, आप लिखोगे A+, इसकी फर्स्ट टर्म देखो क्या है, इसकी जो फर्स्ट टर्म है ये बनेगा A+99D, है ना, लेकिन इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो L1 है, तो यहां पर आपको A की जगह क्या करना है, L1 करना है। यहां पे जो a है वो L1 है, L1, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो D1 है, तो L1 99 D1, तो L100 हो जाएगा L1 plus 99 D1, है ना। इसी तरह W100 क्या हो जाएगा, इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो W1 है, तो W1 plus 99, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो D2 है, है ना, यहां तक समझ गए। माइनस L90 क्या हो जाएगा, L1 plus 89 D1, और इसी तरह आपके पास हो जाएगा W90 W1 plus 89 D2। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे L1 W1, इसको इससे 99 L1 D2, इसको इससे 99 D1 W1, इसको इससे 99 का स्क्वायर D1 D2 माइनस, अब माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई करते जाना, माइनस L1 W1, इसको इससे माइनस 89 L1 D2, इसको इससे 89 D1 W1, और इसको इससे ये बनेगा 89 का स्क्वायर D1 D2। अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है आपके सामने, देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रही है ना, ये टर्म और ये टर्म सेम है। देखो L1 D2, 99 में से 89 गए, कितने बचेंगे 10 L1 D2, और ये देखो 99 D1 W1, 99 में से ये गए कितने बचेंगे 10 D1 W1।
अब कौन बचा, एक ये बचा और एक ये बचा। अगर आप ध्यान से देखो, एक टर्म ये है और एक ये टर्म है, दोनों में डी वन डी टू कॉमन है, तो अंदर बचेगा 99 का स्क्वायर माइनस 89 का स्क्वायर इंटू डी वन डी टू, है ना। और इस पे ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, ये बनेगा ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और डी वन डी टू 10 के बराबर है। तो देखो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, 100, ये दोनों 100 हो गए, और ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 188, है ना, 188 मतलब 18800। अब चेक करो, अब इसको सॉल्व करो, ये 10 हो गया, ये 188 हो गया, 10 और 188 10, ये बन जाएगा। अब आपको चाहिए वैल्यू इसकी, है ना, आपको चाहिए वैल्यू इसकी, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, हम इसका यूज करेंगे, ये भी तो गिवन है, इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो हम इसको यूज करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, A51 माइनस A50 इक्वल टू दिया हुआ 100 के बराबर, 1000 के बराबर। अब AI क्या था, हमने स्टार्टिंग में बताया था AI क्या था, AI था LIWI, है ना। तो A51 क्या होगा, A51 होगा L51W51, L51 into W51, इसी तरह A50 क्या होगा, L50 into W50 which is equal to 1000, ये ऐसा बन जाएगा। L51 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो L51 जैसे आपको A51 चाहिए तो आप क्या लिखते हो, A plus 50D, है ना। तो आपके पास L51 क्या होगा, यहां पे A क्या है, A आपकी फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट टर्म मतलब L1, तो L1 प्लस 50 और D क्या था, D1, तो L1 50D1, ये बनेगा L1 50D1, और इसी तरह W ये क्या हो जाएगा, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म W1 है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो D2 है, तो ये बनेगा W1 50D2। इसी तरह L50 हो जाएगा L1 plus 49D1, और इसी तरह ये हो जाएगा W1 plus 49D2 which is equal to 1000। इसको सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। चलो करो इसको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, L1 W1 50 L1 D2 50 D1 W1 50 का स्क्वायर D1 D2 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई, L1 W1 माइनस, सबसे मल्टीप्लाई करते जाना, माइनस 49 L1 D2 माइनस 49 D1 W1 और माइनस 49 का स्क्वायर D1 D2 इक्वल टू 1000। देखो ध्यान से, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये 50 है और ये 50 है, है ना। देखो 50 में से 49 गए, पीछे बचेगा L1 D2, और यहां देखो 50 में से 49 गए, कितना बचेगा D1 W1। अब पीछे ये टर्म बची और ये टर्म बची, दो ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में D1 D2 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 50 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, ये बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो D1 D2 10 के बराबर है, तो ये 10 हो गया, ये कितना हो जाएगा 199, और ये हो जाएगा 1, तो मल्टीप्लाई करने पे 990 आ जाएगा, प्लस 990, और इक्वल टू किसके बराबर है, 1000 के बराबर, तो हमें यही तो चाहिए था। तो L1 D2 D1 W1 which is equal to 990, इसकी वैल्यू आप कहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, इसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, इन दोनों में 10 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा L1 D2 D1 W1 18800। तो देखो इसकी वैल्यू 10 आई, है ना,
ये देखना इसकी वैल्यू कितनी आई, ये हमने क्या किया, क्या किया, 1000 में से ये माइनस करोगे 10 बचेगा ना, 10 आया, इसकी वैल्यू 10 आई, इसकी वैल्यू क्या आई 10 आई, तो 10 इंटू 10 18800। आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर आएगा 18900 और यही आपका फाइनल आंसर था 18900।